morning to all my students. Welcome back to Creative Content E-Learning Classes. So, last video में हमने discuss किया था asset basis and sort के बारे में कि asset क्या होते हैं, कैसे इनको हम जान पाते हैं कि asset की property क्या है, asset की chemical property क्या है, कुछ indicator होते हैं जिनसे हम किसी भी asset की acidity और basicity को जान पाते हैं। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एसिड की जो प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है। आज हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो भी हीट इवॉल्व होती है, लिबरेटेड होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और बेसिक यानी कि जो बेसिस है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, उनके बारे में डिस्कस। सो न्यूट्रलाइजेशन जब रिएक्शन की हम बात करें, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लाइक जेसन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? जब कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, यानी कि दोनों एसिड और बेस की जो एक दूसरे में जब रिएक्ट करेंगे तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। और जब न्यूट्रलाइज करते हैं तो कुछ एनर्जी जो है वो लिबरेटेड होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं जैसे HCl प्लस NaOH, ये किस फॉर्म में है? दोनों ये दोनों एक्वस फॉर्म में है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में है। जैसे ही रिएक्ट किया तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट एंड वाटर यानी कि HCl प्लस H2O प्लस जो एनर्जी जनरेटेड होती है वो 13.7 किलो कैलोरी। इसी एनर्जी को, ये जो एनर्जी लिबरेटेड हुई, इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो भी हीट लिबरेटेड हुई उसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यहां पे HCl क्या है, ये क्या है, एक एसिड है, और NaOH क्या है, एक बेस है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है कि जब एक एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एक बेस स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट किया तो किसका फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट, सॉल्ट और ये क्या है आपका H2O क्या है, और ये 13.7 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हुई, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी ऑफ यानी कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्या है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या करता है, रिएक्ट। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, बेसिस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस के बारे में जब डिस्कस करें तो जितने भी बेस होते हैं वो कैसे होते हैं, डिटरमिनेंट टेस्ट, टेस्ट में जैसे एसिड क्या होते हैं, सोर होते हैं या फिर खट्टे होते हैं, सिमिलरली अगर बेस होते हैं तो वो टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, और सोपी इन नेचर यानी कि जब उसे हम टच करेंगे तो वो कैसे होंगे, जैसे सोप को टच करते हैं वैसे जो है वो कैसे होंगे, फील करेंगे तो सोपी इन नेचर होंगे। और जो बेस होते हैं
वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी बेस होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस ब्लिस्टर ऑन स्किन। तो ये चार बेसिक प्रॉपर्टी है किसकी, बेसिस की। पहला क्या है, जो इनका टेस्ट होगा बेसिस का, बेस होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, जब उनको टच करेंगे तो सॉल्टी नेचर होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट कि जो बेस है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। फोर्थ पॉइंट, स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस ब्लिस्टर ऑन स्किन, जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो स्किन पर ब्लिस्टर फॉर्म करते हैं। अब इसके बाद जब बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करें, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, जब केमिकल प्रॉपर्टी की हम बात करें तो सबसे पहले जो बेस है वो जब भी हम बेसिस को हीट करते हैं, रैपिडली हीट करते हैं, तो वो ब्रेक हो जाते हैं दो कंपोनेंट में। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे NH4OH, इसको जब हीट करेंगे, हीट किया, ये जो साइन है ये किसका है, हीट का, अमोनियम का है। NH4OH क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम हीट करते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड करते हैं, हीट करते हैं, तो ये आपका डिसोसिएट हो जाता है NH3+H2। NH3+ किसमें डिसोसिएट हो गया, H2O। यहाँ पे NH3 क्या है, ये आपका अमोनिया और ये क्या है आपका वाटर। हम कह सकते हैं पहली केमिकल प्रॉपर्टी में, यानी कि जो बेसिस है, अभी जैसे एग्जांपल में हमने लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब हम हीट करेंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट अमोनिया इन वाटर, इसमें डिसोसिएट हो जाता है NH3 एंड H2। इसके बाद जितने भी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है, जितने भी आपके मेटालिक हाइड्रोक्साइड है, यानी कि जितने भी मेटालिक हाइड्रोक्साइड, उनको जब हम हीट करेंगे तो वो, अगर कोई भी मेटालिक हाइड्रोक्साइड है, जब हम उसे हीट करते हैं तो वो किसमें डिसोसिएट होता है, मेटालिक ऑक्साइड प्लस वाटर। यानी कि अगर कोई भी मेटालिक हाइड्रोक्साइड है और जब हम उसे हीट करेंगे तो किसमें डिसोसिएट होता है, मेटालिक ऑक्साइड और किसमें, वाटर। फॉर एग्जांपल CaOH का O2S, दूसरा एग्जांपल लेते हैं CuOH का होल ट्वाइस। तो जब हम इसे हीट करते हैं, हीट किया, यहाँ पे भी इसको क्या किया, हीट किया, तो क्या फॉर्म होगा, CaO प्लस क्या फॉर्म होगा आपका H2O। यहाँ पे जो क्यूब्रिक हाइड्रोक्साइड है, इसको जब हम हीट करेंगे तो CuO और प्लस इसमें H2O, यानी कि ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि जो
मेटेलिक ऑक्साइड है और वाटर का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल ट्यूब्रिक हाइड्रोक्साइड को जब हमने हीट किया तो ये इसमें एसोसिएट हो गया ट्यूब्रिक ऑक्साइड और प्लस इसमें वाटर। तो यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी को मैंने देखा कि जब मेटेलिक हाइड्रोक्साइड किसी भी मेटेलिक हाइड्रोक्साइड को जब हम हीट करेंगे तो वो मेटेलिक ऑक्साइड और वाटर में डिसोसिएट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल CaOH का प्रोडक्ट्स जब इसे हम हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस वाटर यानी कि H2O में डिसोसिएट। सिमिलरली क्यूब्रिक हाइड्रोक्साइड यानी कि CuOH का होल ट्वाइस जब इसको हीट किया तो कॉपर ऑक्साइड और इसमें आपके H2O यानी कि वाटर में क्या हो गया डिसोसिएट। इसके बाद हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद जो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें क्या है कि जब कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, फास्फोरस पेंटोक्साइड हुआ जब रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है आपका, व्हेन बेसिस रिएक्ट विद द ऑक्साइड देन फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्या फॉर्म करता है सॉल्ट एंड वाटर। इन केस बेस इज ओनली अ मेटालिक ऑक्साइड, अगर बेस क्या है केवल और केवल मेटालिक ऑक्साइड है तो किसका फॉर्मेशन करता है केवल और केवल, देन क्या फॉर्म करेगा केवल और केवल आपका मेटल फॉर्म, मेटालिक ऑक्साइड को क्या करता है फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड को जब हम रिएक्शन कराएंगे इससे कार्बन डाइऑक्साइड तो फॉर्मेशन होता है इसका Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। वहीं पर 2NaOH इनके साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम रिएक्शन करवाएं CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड से तो किसका फॉर्मेशन होगा Na2CO3 प्लस H2O। यहाँ पे ये क्या है सोडियम कार्बोनेट और किसका फॉर्मेशन होगा वाटर का। नेक्स्ट थर्ड CaO की रिएक्शन हम जब करवाएं सल्फर डाइऑक्साइड से तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा CaCaS3 ये यहाँ पे क्या है कैल्शियम सल्फेट। तो ये यहाँ पे कुछ रिएक्शन थी यानी कि सोडियम ऑक्साइड जब रिएक्शन करवाएं कार्बन डाइऑक्साइड से फॉर्म हुआ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट फिर यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 से सल्फर ऑक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे तो आपका कैल्शियम सल्फेट इसका फॉर्मेशन। अब इसके बाद जब नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करें तो एसिड जब रिएक्ट करते हैं बेस के साथ फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करेगा तो रिजल्ट यानी कि रिजल्ट में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किसका हो रहा है सॉल्ट का और किसका फॉर्मेशन होगा। जैसा कि पहले हम बता चुके हैं इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं डिमेटलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवाई हमने इससे 2HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मैंने शुरुआत में रिएक्शन करवाने से पहले बताया था कि अगर इन रिएक्टेंट को हम प्लस और माइनस में अगर डिसोसिएट करें तो थोड़ा सा क्या हो जाता है इजी हो जाता है रिएक्शन करवाना। तो यहाँ पर क्या तुम्हारा फॉर्मेशन
इसका फॉर्मेशन होगा CaCN2। अब ये तो क्या हो गया, सॉल्ट हो गया कैल्शियम क्लोराइड, प्लस इसका फॉर्मेशन होगा आपका वाटर का पीएच। अब देखिए Ca पर कैसा चार्ज होता है, प्लस है कैल्शियम, ऑक्सीजन कैसा है माइनस है, यहां पे हाइड्रोजन प्लस है और इसलिए कैसा है माइनस। नंबर ऑफ कैल्शियम कितना है 1 है और यहां पे नंबर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कितना है 2 है, तो CaCl2 यहां पे कैल्शियम क्लोराइड ये क्या है, एक सॉल्ट है और इसका फॉर्मेशन हुआ वाटर का यानी कि है। नेक्स्ट ये एक सब और लेते हैं, यहां पे NaOH प्लस HNO3 यहाँ पे NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस जब नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है आपका NaNO3 प्लस H2। ये क्या है, सोडियम नाइट्रेट जो कि एक सॉल्ट है और क्या फॉर्म हुआ वाटर। यहाँ पे Na क्या है प्लस है, OH क्या है माइनस, यहाँ पे H प्लस और NO3 माइनस, ये किससे जुड़ा आपके NO3 से यानी कि NO, ये आपका क्या फॉर्मेशन हो गया NaNO3, और ये H प्लस है और OH माइनस है तो इसका फॉर्मेशन हो गया H2। अब इसके बाद नेक्स्ट एक और रिएक्शन लेते हैं CuOH का, CuOH का ग्लूकोस यानी कि ग्लूकोस ऑक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, यहां पर ये क्या है, ये एसिड है, ये क्या है एसिड, जब इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो CuSO4 प्लस इसका फॉर्मेशन होगा 2S2। CuSO4 क्या है, कॉपर सल्फेट, यहाँ पर देखिए Cu का कैसा प्लस चार्ज, टूएस में कैसा माइनस होगा, एच प्लस होगा और SO4 क्या होगा माइनस। सिंपली यहाँ पे Cu को हमने की यानी कि जो आपका प्लस चार्ज है उसको इससे माइनस चार्ज से जोड़ दिया तो CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट प्लस यहाँ पे OH यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन का नंबर कितना है 2 और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो 2 मॉलिक्यूल इसका फॉर्म हो गया। तो इन सारी रिएक्शन में हमने देखा जब कोई भी एसिड किसी भी बेस से रिएक्ट करेगा तो इसका फॉर्मेशन होता है ऑलवेज सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट वो पढ़ने में हम देखेंगे कि जो बेसिस की प्रॉपर्टी है इनमें क्या होता है, डबल डीकंपोजिशन भी होता है। यहाँ पे अगर हम रिएक्शन FeCl3 की यानी कि फेरिक क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं इससे 3NOH यानी कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सिंपल सा प्लस और माइनस में अगर हम जोड़ देते हैं तो Fe कैसा प्लस है, Cl3 माइनस या Fe प्लस और OH माइनस, तो ये इस पोर्शन को किससे हम कनेक्ट करेंगे OH से, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा आपका 2NaCl प्लस Fe OH का होल ट्रांस यानी फेरिक ऑक्साइड, और ये क्या फॉर्मेशन हो इसका सॉल्ट 2NaCl। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये रिएक्शन जो थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर आपको 3Cl बिकॉज यहाँ पे जो क्लोराइड आएंगे उनका नंबर कितना 6 है और सोडियम आयन का नंबर कितना 3 है, तो यहाँ पे 3NaCl प्लस FeOH का क्या हो जाएगा फुल। नेक्स्ट रिएक्शन CuCl2 प्लस 2KOH यानी कि दो मॉलिक्यूल किसके लिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
Cu पर प्लस चार्ज है, Cl2 पे कैसा होता है माइनस, ऐसे Ca पे कितना प्लस था वो पे क्या है माइनस। तो Cu यानी 2KCl प्लस Cu OH का क्या हो जाएगा 4+। तो यहाँ पे ये क्या है आपका पोटेशियम क्लोराइड और Cu OH का 4+। तो ये थी प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, इनको यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉल्ट के बारे में, सिंपल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई।